बेटा एक कहानी सुनाओ ना। पापा शहद बना टोकरी टोकरा फिर लोकड़ी भरी टोकरा बोला एक टोकरी में मछली पकड़ के ला रहा हूँ तालाब से फिर टोकरी भरी चार टोकरा फिर उतना में टोकरा और गया मच्छी पकड़ने फिर उतना में बिल्ली बैठी थी मच्छी को खाने के लिए फिर उतना में टोकरा आ गया मच्छी पकड़ के फिर पकड़ लोकड़ी मैं भूल देके मैं नहा के आ रहा हूँ फिर उतना में टोकरा गया नहाने फिर बिल्ली आ गया उसको खाने के लिए फिर डोकड़ी ना एक स्वाद चखी उसका फिर बहुत अच्छा लगा उसको फिर बहुत सबको खा गई फिर मैं सबको खा गई और टोकरा मुझे बहुत मारेगा फिर एक आइडिया बोल रही हूँ फिर अपना एक पोंडू को काट दी तड़ गई को फिर टेबल पे सब्जी को ना डाल दी फिर उतना मैं टोकरा नहा के आया और एक चखा मच्छी को फिर वो बोला अच्छा है बोला वो फिर बिल्ली का बोले बेटा बताओ टोकरा के मच्छी का मांस ला टोकरी खाए चूतर के मांस ला टोकरा खाए फुल्ले बिल्ली टोकरा नहीं अभी नहीं हुआ है फिर डोगड़ा बोला फुल्ले बिल्ला किसे किसे गोठिया था उसके थाले बिल्ली फिर बोली मच्छी का मांसला टुकड़ी खाए चूतर का मांसला टुकड़ा खाए फिर डोगड़ा एक डंडा पकड़ा एक चाकू पकड़ा उस बिल्ली के गर्दन को ऐसी काट दिया फिर ना बिल्ली डोकड़ी ना डरा दे रहा था उसको फिर डोकड़ा देखा ना क्या हुआ डोकड़ी तू रो क्यों रही है मेरा पोंडू कट काट के भूंदी थी आप मैं फिर बताई वो डोकड़ा बोला चलो वहाँ पे होते फिर डोकड़े बोले मैं ना एक चूतल को काट के भून दी थी अब आपको खिला दी थी फिर उतना में डोकड़ा बहुत गुस्सा हुआ एक डंडा पकड़ा और डोकड़े को बहुत मारने मना लगा फिर बहुत लोई उन्होंने खत्म कहानी बहुत सुंदर कहानी बेटा कौन सुनाया था कहानी मम्मी हाँ चलो ठीक है आप भी ऐसे ठंडी के मौसम में अपने बच्चे को कोई भी कहानी सुनाने के लिए बोलिए और खूब मजे लीजिए जय हिंद।